बीच में दलाल, बीच में मुखिया, सबके अंदर यही देख रहा हूँ कि हमें 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए। मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, मूलभूत से यहाँ समाज में काम करता हूँ कि हमारा घुस फ्री पंचायत हो, लोग दहशत में ना रहे, लोग आशा ना करे कि हमारा काम बिना पैसे की नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्ला चंपाड़नी। पंचायत चुनाव आते ही पूरे क्षेत्र में चहल पहल शुरू हो गई है। हम ढाका प्रखंड के दलपत बिशुनपुर पंचायत के रुपोलिया खुर्द गांव में हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भावी मुखिया प्रत्याशी विपिन कुमार मिश्रा। हम इन्हीं से जानेंगे कि किस मुद्दों के साथ ये चुनाव में आ रहे हैं। सबसे पहले विपिन मिश्रा जी, एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी सर। क्या लगता है इस पंचायत में, दलपत बिशुनपुर पंचायत में क्या समस्याएं लगी आपको कि जिसे दूर करने के लिए आपने मन बनाया है कि हमें इस चुनाव में, इस रणनीति में हमें आनी चाहिए? मैं यहीं देख रहा हूं पंचायत में सर, एक काफ़ी दिनों से मुद्दा आती आ रही है पर इसकी सुधार नहीं हो रही है। अब भी फिलहाल आपने देखा है कि जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो मूलभूत अधिकार के तहत जो शौचालय आया था उसमें किसी आदमी को पूर्ण मूलभूत उचित पैसे नहीं मिला। बीच में दलाल, बीच में मुखिया, बीच में मतलब जो भी पोस्ट पे हैं सबके अंदर यही देख रहा हूँ कि हमें 2000 चाहिए, 3000 चाहिए, 4000 चाहिए। आज जो मूलभूत अधिकार हर पब्लिक का जो है राशन कार्ड, उस पे भी लोगों को 2000-4000 खर्चा करना पड़ रहा है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। और जो देख रहा हूँ मैं, जो भी उम्मीदवारी आ रही है इसको एक बिजनेस बनाकर चल रहा है, एक दुकानदारी रूप से चल रहा है, एक प्रतिनिधित्व के रूप से नहीं आना चाह रहा है कोई भी। यही सब जो देख रहा हूँ कि जो पब्लिक में जो दिक्कतें चल रही है तो उस पब्लिक की दिक्कत के चलते मुझे आना पड़ा। और अपने बिहार में आप जानते हैं कि एक ऐसा आरक्षण है जिसमें जो लायक नहीं है उसको भी लाया जाता है और बशर्ते किसी भी पंचायत के काम नहीं हो पाता है। पर ये इस बार जनरल कोटा है, मैं इंजीनियरिंग करके बैठा हूँ, मूलभूत से यहाँ समाज में काम करता हूँ, देख रहा हूँ मैं स्थिति। यही सब व्यवस्था की गड़बड़ी देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं आऊँगा और पंचायत के लोगों को इससे छुटकारा दिलवाऊँगा कि हमारा घुस फ्री पंचायत हो, लोग दहशत में ना रहे, लोग आशा ना करे कि हमारा काम बिना पैसे की नहीं होता है। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही रहा है और इसी आधार पर मैं आ रहा हूँ। क्या लगता है आप अपने इस वादे में कितना सच्चा उतरेंगे? 100% सर, 100% विकास का काम होगा, विकास का काम होगा सिर्फ, क्योंकि हमें स्वार्थ नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे आदमी है, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। हम दूसरे की आशा पे जीने वाले आदमी हम लोग नहीं है, डिपेंडेड आदमी है। तो एक डिपेंडेड आदमी ही दूसरे आदमी का निस्वार्थ काम कर सकता है, जो व्यवसाय करेगा वो नहीं कर सकता। सबसे होगा विस्तार से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा है सर, अपने पंचायत को आदर्श और डिजिटल में परिवर्तित करना। दूसरा, जितने भी वंचित परिवार, जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी वंचित परिवार हैं, भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जितने भी मूलभूत सुविधा मिलती है, आवास, शौचालय, नली गली, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये जितने भी होते हैं, जो आज पब्लिक परेशान है 2000-4000 बिना घुस दिए नहीं होता है, उसको सबसे पहला मेरा काम है कि उसको जितने भी मूलभूत अधिकार पब्लिक का है, जो सुविधा भारत सरकार और बिहार सरकार की है, जो फ्री में पब्लिक तक पहुँचे, सबसे पहला उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है कि वार्ड स्तर पर बैंक की शुरुआत करवाए कि आज जो हर आदमी को जो बैंक में लाइन में लगना पड़ता है, परेशानी होती है, जो परेशानी पब्लिक को ना हो। और दूसरी बात मेरा जो मुद्दा है, जो आज जो आप लोग देख रहे हैं, जो किसान का जो मुद्दा चल रहा है, अगर किसान का मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है, ये मुद्दा हर आदमी का है, हर प्रतिनिधि का है। हर प्रतिनिधि को खोजना एक सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। एक मुखिया जड़ से अगर स्टार्ट करे, किसी चीज़ पे अमल करे, तभी कोई सुधार हो सकता है। तो अगर एक
पंचायत का प्रतिनिधि करने वाला मुखिया अगर अपने पंचायत को सिर्फ लेकर ही वहाँ के किसानों की देखरेख करे, उचित लाभ पहुँचाए, जितने भी आपदा होती है उसमें उचित लाभ मिले, और जितने भी किसानों भाइयों का पीएम किसान योजना के तहत जो फर्म फ्लॉप होती है वो सब पंचायत प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। आज बंदे को 200-200 रुपये हर आदमी को लगता है, 200 रुपये अप्लाई में, 2000 रुपये घूस देने में, ये सब चीज़ पे ब्रेक लगाने के लिए मैं आ रहा हूँ। और सबसे पहला मुद्दा भी मेरा यही रहेगा। दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ की जो सुविधा मिलती है लघु उद्योग द्वारा या जीविका द्वारा जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, पर पब्लिक में इतना जागरूकता नहीं है, जो अभी विवश है उनको बाहर जाना मजबूरी हो जाती है। यही सब मूलभूत जो अधिकार पब्लिक का है, जीविका से जोड़ देना, उन्हें कैसे भी आत्मनिर्भर बनाना, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी ऐसी सुविधाएँ आ रही है, मवेशी पालन, मछली पालन, उसके बाद मशरूम की खेती करना, अगरबत्ती मोमबत्ती, ऐसे कितने एनजीओ गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है, पर पंचायत तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाती है। और जब भी वो आती है ना, तो उसमें भी आपको जो दो चार होशियार बंदे जो उसको भी फायदा पहुंचाने के लिए अपना फ़ायदा सोचने लगते हैं। तो यही सब सुविधा हर पब्लिक को अगर मुहैया कराया जाए तो हर आदमी आत्मनिर्भर बन सकता है। तो यही सब सोच कर मैं आया हूँ, आगे इसी पे काम करता रहूँगा, यही मेरा विचार है। दूसरी बात आपको बता दूँ कि यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेडिकल का भी है। जो गवर्नमेंट कहती है कि मेडिकल निरीक्षण केंद्र मैं दूंगा, पर यहाँ पे ऐसा प्रतिनिधि नहीं बनता जो उसको लाए अपने समाज तक। इस सब के लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो एजुकेशन आज हमारे प्रतिनिधियों में नहीं दिख रहा है। तो यही सब सोच समझ कर मैं आया हूँ, और ये सब काम को पूरा करने के लिए मैं अक्सर हमेशा के लिए तैयार रहूँगा और तैयार रहूँगा। क्या लगता है इस बार जनता कितना आपको सपोर्ट कर रही है और क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद है मुझे, जब जनता के लिए मैं हूँ तो क्या मैं मेरे लिए जनता नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है। मैं जनता के लिए हूँ, जनता मेरे लिए, और ये और हमारी जीत 100% है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम 100% स्वस्थ हैं। अभी पंचायत में अक्सर देखा जा रहा है कि जल नल योजना जो भारत सरकार का नीतीश कुमार का चल रहा था, इसमें हर जगह पर देखा जा रहा है लापरवाही है। जी जी, क्या कहेंगे इस योजना पर, क्या कहना चाहेंगे? ये सारी योजना तो आप देख ही रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो मैं और पंचायत की बात नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं अपने पंचायत की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पंचायत में इस जो नल जल की योजना अभी पूरी कम्प्लीट नहीं हुई है, जब कम्प्लीट हो जाएंगी तो इस पर टिप्पा टिप्पणी करना शुरू करेंगे। अभी काम शुरू है, अभी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। भावी मुखिया प्रत्याशी विपिन कुमार मिश्रा जो दावे कर रहे हैं कि विकास करेंगे, इस क्षेत्र में विकास होगा, सारी योजनाएं ये अपने दम पर लाना चाह रहे हैं, अपने दम पर लाने की कोशिश करेंगे, ये देखना होगा कि ये कितने अपनी बातों में खड़ा उतरते हैं। कैमरामैन चंदन के साथ समीला चंपाड़नी, एसटीवी न्यूज़।